बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज जो हम विरोध कर रहे हैं ये जीएमसी जो बीमार है उसके खिलाफ है। जिस प्रकार से यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है पूरी तरह से, मैं बता दूँ पुरानी हम जो डिमांड करते आए हैं, यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं जैसे MRI है, इको टेस्ट है, उसके बाद ECG है, उसमें तीन तीन चार चार महीने का टाइम दिया जाता है और जिस व्यक्ति को ज़्यादा जरूरत है डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तुम प्राइवेट करा के लाओ। ये एक गोरख धंधा जो है यहाँ पर फैलता जा रहा है, इसके खिलाफ है। हमने पहले भी गवर्नर महोदय जी से ये निवेदन किया, पिछली सरकारों में भी हर प्रकार से हम बोलते हैं कि इसके ऊपर GMC के ऊपर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो तबका आता है वो पहाड़ी इलाकों से आता है। रजौरी, बसोली, बनी, रजौरी, पूंछ, सुंदरबनी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और उसके बाद बिलावर, बसोली, बनी से, इन पहाड़ी इलाकों से गरीब तबका आता है। उनको मुफ्त इलाज चाहिए। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ लागू की हैं, पर स्टेट के अंदर वो जो ये स्टेट सरकारें हैं वो उनको लागू नहीं पूरी तरह से कर पा रही हैं। हम यही डिमांड करते हैं कि जो व्यक्ति दूर दराज से आता है उसको मुफ्त इलाज दिया जाए और अच्छा इलाज दिया जाए, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं। वो तो चले जाते हैं, उनके पास पैसा है वो बाहर चले जाते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन जो गरीब है वो तो यहाँ पर आता है। अभी एक जो आपने सुना ही है, मीडिया के माध्यम से भी हम पत्रों में पढ़ते आ रहे हैं और मीडिया में सुन भी रहे हैं, जो एक कोरोना वायरस नामक बीमारी जो है पूरे विश्व में फैलती जा रही है। मैंने कुछ दिन पहले था 97 देशों में इसकी बीमारी का प्रकोप जो है वो पड़ा है और भारत में भी ये बीमारी आई है और जम्मू में जो प्रबंध है वो नाकाफी है। आपने देखा किस प्रकार से डॉक्टर उस वार्ड में नहीं जा रहे हैं जो वार्ड इन्होंने इन बीमारी ग्रस्त लोगों के लिए, जो टेस्ट के लिए लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। एक बच्चे को कुछ दिन पहले एक बच्चे को बुखार था, वो इलाज के लिए उसके डॉक्टर ने मिला तक नहीं उसको, वो घर चले गए, फिर पुलिस के माध्यम से उनको लाना पड़ा। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, मास्क, सैनिटाइजर इतनी बुरी तरह से मतलब ब्लैक में बिक रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। और जो मैं कुछ दिन पहले खबर भी आई थी, किसी डॉक्टर ने मास्क और सैनिटाइजर के बारे में डिमांड की तो सरकार ने उसकी ट्रांसफर कर दी। इस प्रकार की घटनाएं हैं। लोगों को अच्छी सुविधा दो, अच्छी प्रकार से इस बीमारी से अच्छी तरह से लड़ने की एक पहल करें सरकार। और मैं एक बात बता दूं, सेना जो है वो युद्ध के लिए है, अगर सेना युद्ध से पीछे हटेगी तो क्या स्थिति होगी। सेना तो अपना काम अच्छी तरीके से करती है, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी आज युद्ध की स्थिति है और डॉक्टरों को भी यही लड़ाई लड़नी है। डॉक्टर इससे पीछे नहीं हट सकते, लोग इसके दुष्परिणाम फिर देंगे डॉक्टरों को भी। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं और माननीय गवर्नर महोदय जी से निवेदन करते हैं कि हम 48 घंटे का समय देते हैं कि कोई भी जो यहाँ पर कंसर्निंग डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर हैं, गवर्नर महोदय हैं, वो यहाँ पर दौरा करें मेडिकल कॉलेज का। कल एडवाइज़र सांबा हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर दौरा किया जाए और देखें यहाँ पर व्यवस्था किस प्रकार से की गई है और लोगों से पूछें, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं उनसे पूछें, ना कि वो अंदर ऑफिसरों से मिलकर उनके साथ बैठकर वापस चले जाएं। पहले उनसे अगर ये कार्य जल्दी से जल्द 48 घंटे का हम समय दे रहे हैं, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन तेज किया जाएगा।